मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अग्रणी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अग्रणी दैट इज पावर्ड बाय केएसजी, ठीक है, जिसमें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं आपका जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत के नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो नदी है आपकी कौन सी, गंगा नदी। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने देखा था, इसका ही आप लोग एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लीजिए, जहां पर हम लोगों ने देखा था गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है। तो गंगा नदी का उद्गम कहां पर, गोमुख, ठीक है, गंगोत्री उत्तराखंड उत्तरकाशी से इसका उद्गम होता है, और ये आपका बांग्लादेश वाले रीजन में इसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें देखी थी, तो इन चीजों को आप लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है। आज हम लोग यहाँ पर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे एक नई नदी, ठीक है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये भी भारत की दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। तो इसके बारे में, इसमें कौन कौन सी इसकी सहायिकाएं हैं, कहां कहां से इसका प्रवाह होता है, इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहां पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसकी ओरिजिन ठीक है, यानी कि उद्गम, ये एक ट्रांस रिवर है। ट्रांस रिवर बोलने का मतलब ये है कि भारत के क्षेत्र से इसका उद्गम नहीं होता है। तो प्रश्न आता है कि आखिर इसका उद्गम होता कहां से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका तिब्बत में एक ग्लेशियर है, ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यहां चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के बारे में अगर बात करें तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, उस स्थान को हम बोलते हैं यांगशी ग्लेशियर, उसी का भाग है यांगशी ग्लेशियर। तो यहां से इसका उद्गम माना जाता है यांगशी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखने के लिए मिलता है। तो ये नदी जो है ये कहां कहां किन किन राज्यों से या किन किन राष्ट्रों से होकर बहती है, तो तिब्बत में इसका उद्गम हुआ और तिब्बत के बाद ये भारत में आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करेगी, ठीक है, यांग्याप दर्रा से, और इसके बाद ये आसाम से होते हुए, ठीक है, पहुंच जाएगी कहां, आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर भारत के ये दो प्रमुख राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ठीक है, और दो अलग अलग देश हैं, एक है आपका तिब्बत, दूसरा है आपका बांग्लादेश। तो इन दो देशों से होकर प्रवाहित होती है। और इस नदी की खासियत ये है कि ये कठोर चट्टानों से, चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण इसमें जो है सिल्ट वगैरह उतने ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, फिर भी, ठीक है, कुछ मात्रा में ये अपने साथ सिल्ट को कैरी करती है, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी कुल लंबाई जो होती है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपका टोटल 2900 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी, तो हम कितनी बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो इसको यहां पर नोट कर लेंगे, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो, क्या ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि भारत में इसका जो प्रवाह है केवल ये आप अरुणाचल प्रदेश और आसाम के राज्यों में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां,
ठीक है, ये जो है आपका यहां पर यांग्याप दर्रा, ठीक है, यांग्याप दर्रे से होकर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहां इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो। तिब्बत नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो है, आसाम वाले अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, और आसाम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस नदी के पद्मा तो हम लोग इसे बांग्लादेश में बोल रहे थे, गंगा को हम बोल रहे थे कहां, बांग्लादेश वाले भाग में। ठीक है, इसका नाम यहां पर क्या कहलाएगा, जमुना। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है इसके लोकल नाम हो गए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका जो उद्गम है, ठीक है, उद्गम कहां से हुआ है आपका, ठीक है, तिब्बत में चेमा यिंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चेमा यिंगडुंग ग्लेशियर में कहां से आपका, यांगसी ग्लेशियर उसका पार्ट है। ठीक, और तिब्बत से होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश से होते हुए टोटल 2900 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहां पर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। ठीक, तो ये जो ब्रह्मपुत्र आसाम वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां आसाम के क्षेत्र में, ठीक है, ये अपने साथ कुछ सिल्ट को कैरी करती है, और इस सिल्ट के डिपोजिशन से यहां पर एक नदी द्वीप का निर्माण होता है। सिल्ट के डिपोजिशन से, अवसादों के जमाव से यहां पर एक नदी द्वीप का निर्माण होगा। उस नदी द्वीप का नाम है, ठीक है, आपका माजुली। माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत में आसाम वाले क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सिल्ट डिपोजिशन को कैरी करती है, और यहाँ पर माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, नदी द्वीप समूह, नदी द्वीप है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग, माजुली नदी द्वीप, ये क्या है, ठीक है, रिवर आइलैंड, ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली है। ठीक है, इसकी 2015 में, ठीक है, इसे जिले का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, पहले ये आसाम का एक जिला है, जोरहट, उसका एक भाग हुआ करता था। 2015 में इसे जिला घोषित कर दिया गया है, और इसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, 1.25 लाख के आसपास इसकी टोटल जनसंख्या है। ठीक है, जो आपके माजुली नदी द्वीप के बारे में बताता है। तो माजुली नदी द्वीप का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा जो है आपका जमुना, ये जो जमुना है, यही जमुना, ठीक है, गंगा नदी की जो धारा थी पद्मा, उसके साथ मिलकर, ठीक है, मेघना का निर्माण करेगी, यही मेघना जो है बाद में, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक, तो ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कहां, बांग्लादेश में, किसके माध्यम से आपका, जमुना के माध्यम से होता है। ठीक, तो ये जनरल बातें हैं जो आपको यहां पर इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो जमुना और पद्मा, ठीक है, दोनों की संयुक्त धारा बनागी क्या, मेघना, और इसी से बनेगा क्या, सुंदरबन का डेल्टा। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैपिंग से करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैप में ये चीजें कैसे दिखाई देती हैं। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम मैप बनाऊंगा, ठीक है, और उस चीज को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे।
ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्या मैपिंग में कैसे इन चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है आपका, ठीक है, इंडिया का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, ये आपका त्रिपुरा है, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, इधर आपका मेघालय, ये सारी चीजें हो गई आपकी इस मैप में। तो ये जो है आपका पूरा, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल। हम लोगों ने देखा कि एक नदी है, ठीक है, जो नदी आपका यांगशी ग्लेशियर से होकर निकलती है, ठीक है। मान लेते हैं ये वो बिंदु है, ठीक है, जो क्या है आपका यांगशी ग्लेशियर है। इस यांगशी ग्लेशियर से होकर एक नदी की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहां पर एक दर्रा है, ठीक है, उस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा, ठीक है। इस यांग्याप दर्रे से होकर एक नदी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है क्या ब्रह्मपुत्र, ये एंटर करती है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, ये आपका आसाम और आसाम के क्षेत्र से एंटर करेगी कहाँ आपका, ये बांग्लादेश वाले भाग में, ठीक है ना। तो ये हो गई ये प्रमुख नदी, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, ये यांगशी ग्लेशियर, नदी का नाम शांगपो, ठीक है। ये जो बिंदु है यहां पर क्या है यांग्याप पास, आसाम वाले क्षेत्र में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसे हम क्या बोलते हैं दिहांग बोलते हैं, दिहांग नदी। आसाम वाला जो क्षेत्र है यहां हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और यहां ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां हम इसे बोलेंगे जमुना, यहां हम क्या बोलेंगे इसे जमुना बोलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि यहां से गंगा नदी की जो धारा है, ठीक है, वो आकर इससे मिल रही है। ये जो धारा थी, इसी धारा को हम क्या बोलते हैं पद्मा। पद्मा कौन है, ये गंगा नदी की धारा जिसे हम बांग्लादेश में, ठीक है, पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है, उस संयुक्त धारा को, ठीक है, हम अब यहाँ बांग्लादेश वाले क्षेत्र में मेघना के नाम से जानते हैं। हम यहाँ इसे मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेघना है पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा है, ठीक है। और इसी वाले क्षेत्र में आप देखेंगे अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक सहायक नदी, ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र में आपको एक नदी आती हुई दिखाई देगी। इस नदी को बोलते हैं हम दिवांग नदी, ठीक है, क्या बोलेंगे दिवांग। दिवांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है,
जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से ठीक है मिलती है, दिहांग से मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहीं पर एक नदी, ठीक है, जो आपका इस नदी को हम बोलते हैं लोहित नदी। ये नदी जो है उसका नाम है लोहित नदी, और इसी लोहित नदी पर देश का सबसे लंबा नदी पुल बना हुआ है, ठीक है। इस नदी पुल का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका नदी पुल, जिसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ठीक है आप देखेंगे यहाँ पर एक दूसरी जो सहायक नदी है, यह आपका नागालैंड वाले क्षेत्र से ठीक है निकलती है और यहाँ पर जाकर मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसका नाम है धनश्री, धनश्री। यहीं से एक नदी निकलेगी, जो यहां आकर मिलती है, ठीक है। इस नदी को हम बोलते हैं वराह नदी, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो वराह नदी जो है, वराह नदी क्या करती है, ठीक है, ये वराह नदी आपको यहां पर कुछ विशेष संरचनाएं हैं, ठीक है। जैसे यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने के लिए मिलती है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं बरेल, ठीक है ना। तो बरेल जो है पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला को ये क्रॉस करती है, इसके बिल्कुल मतलब ये बोल सकते हैं कि वराह नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी को से अलग होती है किसके माध्यम से, तो ये जो अलग होती है आपका बरेल के माध्यम से, ठीक है ना। तो बरेल पर्वत श्रृंखला जो है ये वराह नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से रोकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी क्या है आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। अब अगर हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, यानी कि दाईं ओर से आने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बात करें, दाईं ओर से आने वाली जो सहायक नदी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है एक, ठीक है, उसका नाम है आपका सुबनसिरी। ये जो नदी है इसका नाम है सुबनसिरी, ठीक है। यहाँ आपका ये तिब्बत वाले रीजन से ही एक नदी आकर मिलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है मानस नदी, आसाम में इसी नदी पर बना हुआ है मानस अभ्यारण्य, ठीक है। तो मानस नदी जो है आपको यहाँ पर आकर मिलती है, प्रतीत होती है, और सिक्किम वाले क्षेत्र से एक प्रमुख नदी, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से होकर जेमू ग्लेशियर, यहां से होकर एक नदी की धारा, ठीक है, आकर बांग्लादेश वाले क्षेत्र से होकर इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो नदी है इस नदी को हम क्या बोलते हैं, तीस्ता नदी बोलते हैं। तो ये नदी जो है तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी जो है ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख यहां पर आपको नदियां देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, जो ये सारी नदियां क्या है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, तिब्बत में यांगसी ग्लेशियर से, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का एक पार्ट है, तिब्बत में से हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और जैसे ये भारत में एंटर करती है तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। यहां से होकर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस दिहांग की सहायक नदी है आपका दिवांग, ठीक है। और यहीं पर आपको एक दूसरी नदी मिलेगी, इसे हम बोलते हैं लोहित नदी। इसी लोहित नदी पर बना हुआ है सबसे लंबा नदी पुल, जिसे हम भूपेन हजारिका पुल बोलते हैं, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश का जो सादिया इलाका है उन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है। तो डिब्रूगढ़ और सादिया के बीच में जो यहाँ पर नदी पुल बनाया गया, उस नदी पुल का नाम क्या है, भूपेन हजारिका नदी पुल।
ठीक है ना। तो भूपेन हजारिका नदी पुल के बारे में आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर जब आसाम में ये एंटर करेगी तो आसाम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका आसाम से होते हुए कहां आपका पहुंच जाएगी, बांग्लादेश में। तो दूसरी ओर पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी आपका, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में गंगा नदी का दूसरा नाम है, ठीक है, ये एंटर कर रही है। और पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो धारा, जिसे हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन दोनों की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे कि इसकी सहायक नदी एक जेमू ग्लेशियर से होकर आती है तीस्ता नदी, ये भी मिलती है आपका। इस तरीके से ये सारी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। अब ये सारी नदियां जो हैं, ठीक है, यही इसी वाले क्षेत्र में, ठीक है, क्या करेंगी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये क्या करेंगी, अब यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो ये जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, डेल्टा है। एक्चुअल में जो लंबी दूरी, जो नदियां लंबी दूरी ट्रेवल करती हैं, वो अपने साथ क्या करती हैं, कुछ अवसादों को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। ये सेडिमेंट्स जो होते हैं लगातार एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और इनके डिपोजिशन से, ठीक है, जो दलदली संरचना बनती है, दलदली संरचना को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टा का कुछ भाग जो है आपको, ठीक है, बांग्लादेश का जो 24 परगना क्षेत्र है वहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कुछ भाग जो है 90% एरिया जो है आपको बांग्लादेश में देखने के लिए मिलता है, इसे हम सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये तो आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश में है, ठीक है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल का 24 परगना, 24 नॉर्थ और 24 साउथ परगना क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर इस डेल्टे का निर्माण किया जाता है। यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो इन वृक्षों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। तो ये है पूरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और इसका आप लोग शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हुआ, ठीक है। हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर ली है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे किसकी, अगला जो हमारा नदी तंत्र है वो है हमारा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए सारी चीजें, ठीक। हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो बातें पढ़ी हैं, ठीक है, एक तो ये पढ़ा उद्गम स्थल, ठीक है, कहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में, और फिर उसका हम लोगों ने एक मैप तैयार किया कि आखिर ये नदी कहाँ पर किस स्थान में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसमें सारी चीजों को जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी थी उसी को हम लोगों ने क्या किया, मैप से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला नदी तंत्र, जिसे हम बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी तंत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। तो इस ये नदी तंत्र करने से क्या हो जाएगा कि जो उत्तर भारत की जो हिमालयी नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम लोगों ने बात की। तीन प्रमुख नदियां हैं जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है। इसमें आपका एक इंडस रिवर है, आपका दूसरी गंगा रिवर है, ठीक। गंगा की सहायक नदी यमुना के बारे में हम लोगों ने कर लिया था, और तीसरी नदी जो थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम बात करें किसकी, सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है, ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांस रिवर बोलते हैं। ट्रांस रिवर बोलने का मतलब इसका उद्गम जो है भारत के बाहर होता है, ठीक। तो भारत के बाहर इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसका उद्गम भी, ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है आपका, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर।
चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में एक स्थान है बोखरचू। तो बोखरचू नामक स्थान से ठीक है इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का एक पार्ट है, ठीक है ना। बोखरचू स्थान का नाम है, ठीक है, इस स्थान से होकर एक नदी निकलती है, ठीक है, इस नदी का नाम क्या है आपका, इंडस रिवर, ठीक है, इसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो बोखरचू कहां पर है, ये जो बोखरचू है ये तिब्बत में है, और क्या पढ़ा इसके बारे में, इट्स अ पार्ट ऑफ चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यह चेमा युंग डुंग ग्लेशियर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कहां कहां से ये नदी होकर प्रवाहित होती है, तो ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल हम लोगों ने पढ़ा कहां है आपका, तिब्बत। तिब्बत से ये कहां एंटर करेगी, ये एंटर करेगी लद्दाख में। लद्दाख जो है ये भारत का क्षेत्र है। लद्दाख के बाद ये एंटर करेगी कहां आपका, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। और इस पीओके के बाद ये नदी एंटर करेगी कहां आपका, पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से ठीक है ये नदी जो है आपका भारत के दो क्षेत्र है, या यूं कहें भारत का एक ही क्षेत्र है, ठीक है, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। लद्दाख में ठीक है स्थान का नाम जो है वो है दमचौक। लद्दाख में दमचौक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करेगी, और पीओके में चिलास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में एंटर करेगी। तो दमचौक जो है वो एंट्री पॉइंट है। दमचौक क्या हुआ, ये एंट्री पॉइंट हुआ, और ये क्या हुआ आपका चिल्लास, ये एग्जिट पॉइंट हुआ। इस तरीके से यहां पर ये सारी चीजें हो गई किसकी आपका, तिब्बत नदी की और एंट्री और एग्जिट के बारे में। पाकिस्तान वाले क्षेत्र से ये कहां पहुंच जाएगी आपका, अरेबियन सी में, अरब सागर में। तो पाकिस्तान से अरब सागर में जाकर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब भारत में नदी प्रवाहित हो रही है तो भारत में ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर प्रवाहित होती है। उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच ठीक है प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है आपका, ये है आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है इसका उद्गम बोखरचू नामक स्थान से हुआ, ठीक है, जो कि इन राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है। इंडिया में ये दमचौक नामक स्थान पर लद्दाख में एंटर करेगी, और पीओके में चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में एंटर करेगी, ठीक है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर प्रवाहित होती है ये नदी, ठीक है, और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। यानी कि अगर हम इसके प्रवाह की दिशा देखें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैप से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे तिब्बत, ये जो आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिलती है, ठीक। इसका हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा, और इसके सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये जो है आपका इंडिया का मैप है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो नदी है ठीक किन किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है और कैसे ये यहाँ पर आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर को बोलते हैं ठीक है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्थान है, स्थान का नाम है बोखरचू। बोखरचू जो ये स्थान है, ये आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से नदी की एक धारा निकल रही है, और ये जो धारा है ठीक है ये आपका कहाँ, इंडिया में एंटर की, ठीक है, और इंडिया में बहते हुए ये क्या कर रही है,
यूके से होते हुए कहां पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको जाती हुई समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर ये कुछ पहाड़ी, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में ये कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। उन पहाड़ी क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों को हम बोलते हैं, ठीक है, लद्दाख और जास्कर रेंज। ये लद्दाख और जास्कर रेंज से ये कहां कहे बहेगी आपका, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। यहां पर जो स्थान है इस स्थान का नाम, ठीक है, दमचौक। ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है चिल्लास, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। इसकी पहली सहायक नदी आप देखेंगे यहां पर श्रीनगर वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर एक झील है, ये श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर में एक झील है, उस झील का नाम है आपका वेरीनाग झील। ये जो वेरीनाग झील है यहां से, ठीक है, नदी की एक धारा निकलेगी और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसे बॉर्डर बनाते हुए आगे बहेगी, ठीक है। इस नदी को हम बोलते हैं झेलम नदी, ठीक है ना। ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है, झेलम। एक दूसरी नदी आप देखेंगे जो आपका यहां पर रोहतांग दर्रा और बारालाचाला दर्रा आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो यहां पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बारालाचाला दर्रा। तो बारालाचाला दर्रा से एक नदी है चंद्रा, एक नदी है भागा, ठीक है। तो चंद्रा और भागा की दो संयुक्त धाराएं जो हैं वो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और ये दोनों संयुक्त धाराओं को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों संयुक्त धाराओं को हम बोलते हैं चिनाब नदी, ठीक है। और ये जो चिनाब नदी है ये, ठीक है, आपका सिंधु की एक सहायक नदी है और इसी से आकर झेलम नदी जो है ये झुंग नामक स्थान पर मिल जाएगी। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि झेलम वो है चिनाब की, ये चिनाब जो है वो सिंध की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो इन धाराओं का नाम क्या था, इन धाराओं का नाम है चंद्रा और भागा। ये कहां से इनका उद्गम हो रहा है, इनका उद्गम हो रहा है आपका बारालाचाला दर्रा से, ठीक है। यहीं से एक और रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे से एक नदी आपको क्या कहते हैं, नदी की धारा निकलती हुई दिखाई देगी। वहां एक कुंड है, उस कुंड का नाम है ब्यास कुंड, ठीक है। तो ब्यास नदी और एक नदी और मिलेगी आपको रावी नदी। तो रावी नदी जो है ये निकलती है और ये आपका, ठीक है, जाकर मिल जाएगी किसमें, चिनाब नदी में। एक तो ये हो गई, दूसरी ये है आपका रावी, ये है चिनाब। ब्यास कुंड से नदी निकली, ठीक है। उसके पहले एक और नदी आपको यहां पर दिखाई देगी, इसी ग्लेशियर से एक नदी है, ठीक है। इस नदी का नाम है आपका सतलुज नदी, ठीक है। सतलुज नदी जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से बहते हुए यहाँ एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। और ये यहां से बहते हुए, ठीक है, पंजाब, पंजाब में हरकी नामक स्थान है, इसी पर हरकी बैराज या इंदिरा गांधी केनाल का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये जाकर मिल जाएगी कहां, सिंधु नदी पे, ठीक। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है सतलुज, इसका उद्गम कहां से हुआ है, राकस ताल से। और इससे यहां पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, ठीक है, एक बैराज बनाया जाएगा, ठीक है। तो ब्यास प्लस सतलुज, ब्यास और सतलुज दोनों नदियों की जो संयुक्त धारा थी, ठीक है, उससे यहां पर क्या हुआ, हरिके बैराज।
बनाया गया, ठीक है, इसी पे बनाया गया है क्या, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। फिर आप देखते हैं यहां पर कुछ दूसरी सहायक नदियां, ठीक है, यहां पर आपको एक दो ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, एक आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, एक आपको यहां पर रोंगबक ग्लेशियर देखने के लिए मिलता है। तो रोंगबक ग्लेशियर से, ठीक है, एक नदी और एक नदी आपका सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक, एक नदी जो है इसका नाम है आपका श्योक नदी, ये जो नदी है ये है आपका श्योक, श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। यहां एक और नदी आपको मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस नदी का जो कि लद्दाख वाले रीजन से निकलकर आती है, इस नदी का नाम है गलवान, जिसी पर गलवान घाटी, ठीक है, इसी पर भी हम लोगों ने देखा था भारत और चाइना का एक जबरदस्त प्रोटेस्ट, ठीक है, और इस पीओके वाले रीजन से यहाँ पर शारदुंग, ठीक है, शांडूर लेक है, ठीक है, जहां से एक नदी निकलती, इस नदी का नाम है गिलगिट, इसी के ऊपर बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, गिलगिट शहर, ठीक है, तो ये कहां है आपका, शांडूर लेक से इसका उद्गम होता है, शांडूर लेक से, ठीक है, गिलगिट नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो ये गिलगिट नदी आपकी सिंधु की सहायक नदी है, ठीक, इधर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन में देखेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान से एक नदी आकर मिलती दिखाई देती है, इस नदी को हम बोलते हैं क्या, काबुल नदी। ठीक है, इस नदी में आपको एक और धारा आकर मिलती है प्रतीत होती है, उस धारा का नाम है, पाकिस्तान में इसे हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं, इस स्वात नदी के वाला जो क्षेत्र है ये दुआब वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस कारण से जो स्वात घाटी से हम पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है, यही खैबर बोलन दर्रे से एक नदी आपको आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस नदी का नाम है गोमल। तो गोमल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, खैबर बोलन दर्रे से आपका यहाँ सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, ये वो बिंदु, ठीक है, जहां पर ये सारी नदियां मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस स्थान को हम बोलते हैं मिथनकोट। तो मिथनकोट नामक स्थान पर ये सारी नदियां जो हैं एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हो गई, ठीक है, पहली नदी जो है आपका ये इंडस नदी है, इंडस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, ये है आपका झेलम नदी, ये है आपका चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये हुई सतलुज नदी, रावी, चिनाब। तो ये है आपका एक सिंधु नदी तंत्र, इसको आप लोग क्या करेंगे, मैप में ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या कि बेसिक चीजें और यहाँ पर क्या हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा रिवर सिस्टम। तो एक बार जल्दी से इस रिवर सिस्टम को हम लोग रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने समझा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये आपका बोखरचू से हो रहा है, जो कि आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है, ये कहाँ आपका तिब्बत में है, ठीक है, दमचौक नामक स्थान से, ठीक है, दमचौक नामक स्थान से ये कहा भारत में एंटर करेगी और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में एंटर करेगी, ठीक है। भारत में जब ये एंटर करती है तो यहां पर, ठीक है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इस तरीके से आगे बढ़ेगी। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आप देखें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर, ठीक है, एक झील है, उस झील का नाम था, ठीक है, वेरी नाग लेक। ये क्या है आपका, यहाँ पर ये है वेरी नाग लेक। तो वेरी नाग झील जो है कहाँ पर है आपका, श्रीनगर से, श्रीनगर में ये वेरी नाग लेक से इसका उद्गम होगा, वुलर झील पर जाएगी, पानी लेगी और वहां से होकर निकलेगी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का निर्माण करेगी और ये यहाँ पर झुंग नामक स्थान पर, ठीक है,
किससे? एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है चिनाब, उससे आकर मिलती है। ठीक है, चिनाब नदी जो है इसका उद्गम आपका चंद्रा और भागा नामक जो दो धाराएं हैं, ये आपका बारा लाचाला दर्रा से इनका उद्गम होता है। ठीक है, और ये जाकर मिल जाएंगी कहां आपका झुंग नामक स्थान पर, आपका झेलम नदी से। ठीक है, फिर आगे ये मिथनकोट में मिलती है कहां आपका सिंधु नदी से। फिर यहीं से एक नदी निकलती है रावी नदी, ये आपका आप रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, ये भी क्या कहते हैं झुंग नामक स्थान पर जाकर मिल जाएगी किससे, चिनाब से। ठीक है, अगली नदी जो है आपका सतलुज नदी है जिसका उद्गम कहां से आपका राक्षसताल, जिसे हम राक्षसताल के नाम से जानते हैं, ये भी आपका कहते हैं मानसरोवर जो ग्लेशियर से उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो यहां से निकलते हुए आपका पंजाब से होते हुए ठीक है मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। तो जहां पर व्यास, इस नदी का नाम हमने अभी नहीं लिखा है, ये नदी जो है आपका व्यास नदी है। तो व्यास नदी और सतलुज नदी दोनों की जो जहां पर धाराएं मिलती हैं उस स्थान का नाम है हरिके, और इस हरिके नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है। ठीक है, जिसे हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। यहीं से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसी के माध्यम से आपका पंजाब हरियाणा आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नदी, सारी नदियां मतलब इंडस रिवर, आपका चिनाब रिवर, सतलुज रिवर कहां पर मिलती हैं, तो वो स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है मिथनकोट। स्थान का नाम क्या है? मिथनकोट। तो मिथनकोट नामक स्थान पर मिलती है, और उसके बाद ठीक है ये जो नदियां हैं ठीक है कहां आपका अरेबियन सी में जाकर मिल जाएंगी। ये खंबात की खाड़ी से होते हुए ये अरेबियन सी में मिलती हैं। ठीक, तो ये हुआ इसके इन सब के बारे में, क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो नदियां हैं इन नदियों के साथ में ठीक है उस बीच का जो मैदानी भाग है उन मैदानी भागों को हम क्या बोलते हैं? दुआब बोलते हैं। तो जो प्रमुख यहाँ पर दुआब क्षेत्र है उन दुआब क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक नदी थी इंडस रिवर, एक नदी क्या है आपका इंडस रिवर, दूसरी नदी जो थी वो आपका झेलम रिवर। तो इंडस और झेलम के बीच जो दुआब है उस दुआब को बोलते हैं सिंधु सागर, उसे हम क्या बोलेंगे, इस दुआब वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं सिंधु सागर दुआब। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे चिनाब और झेलम। तो चिनाब और झेलम नदी के बीच का जो दुआब क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, चाज दुआब। रावी और चिनाब के बीच का जो दुआब का क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, रचना दुआब। ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दुआब का क्षेत्र है उसे हम बोलेंगे बारी। सतलुज और ब्यास नदी के बीच का जो दुआब है उसे हम बोलते हैं बिस्ट दुआब। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख दुआब क्षेत्र हैं ठीक है जिन्हें हम इन क्षेत्रों में इन नामों से जानते हैं। तो सिंधु सागर जो दुआब है ठीक है, ये सारे दुआब जो हैं दो नदियों के मिलन स्थल के बीच का या दो नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र उसे हम सामान्यतः दुआब बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है जहां पर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो चाज दुआब, रचना दुआब ठीक है, बारी और विष्ट, तो ये प्रमुख दुआब क्षेत्र हैं जो आपको यहां पर इन नदियों के बीच में देखेंगे। अब देखो हर एक नदी का जो इनिशियल लेटर है ठीक है, बस झेलम और इंडस को छोड़ दीजिए, तो इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे सिंधु सागर। बाकी को आप देखेंगे तो चिनाब का सी और झेलम का जे, तो क्या बन गया, चाज। ठीक है, रावी और चिनाब से बन गया क्या, रचना। ठीक है, व्यास और रावी से क्या बन गया, बारी।
ठीक है, सतलुज और ब्यास से क्या बन गया, विस्ट। तो इनिशियल जो लेटर्स हैं उन्हीं से यहाँ पर इन दुआबों का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ पर, ठीक है, दो प्रमुख नदी तंत्र के बारे में समझा, एक तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में समझा, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में समझा। तो इस प्रकार से हमारी जो उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं उनका रिवर सिस्टम जो कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी कि रिवर सिस्टम का जो एक पार्ट है उससे हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे की जो क्लासेस होंगी वहां पर हम साउथ इंडिया की रिवर्स या जिसे हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे ही डायग्राम्स आप लोग बना लेंगे और इनका पीडीएफ भी आपको साथ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।